यदि आप भी ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप क्लेम करते हैं, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, केवाईसी चेंज इन बैंक अकाउंट नंबर सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर शो कर रहा है, कुछ डेट शो कर रहा है और आपके जो भी पुरानी कंपनी का नाम शो कर रहा है, तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ये एरर। और इसके लिए ईपीएफओ ने एक अपडेट भी किया हुआ है जो कि शायद मेरे हिसाब से, मेरा जो ओपिनियन है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको केवल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके लिए ईपीएफओ ने क्या अपना अपडेट किया है। देखिए जैसे आप मैनेज केवाईसी पे जाते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पेंडिंग केवाईसी सेक्शन है इसमें इस तरीके का जो भी एरर होता था तो उसका कोई भी डिटेल यहां पे नहीं दिखता था, लेकिन अब यहां पे दिखाई दे रहा है। ये ईपीएफओ का एक अपडेट है लेकिन किसी काम का नहीं है, ये भी हम जानेंगे कैसे और ईपीएफओ को क्या और इसमें बदलाव करने चाहिए। देखिए ये आप देख सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉई है इनके केस में एक बैंक अकाउंट नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर में दिख रहा है और आईएफएससी कोड है, ये जो सीडेट किया गया है 14 जुलाई 2020 को, टाइम भी देखने को मिल रहा है आपको, किसके द्वारा किया गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है और स्टेटस में भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो रिमार्क में लिख के आ रहा है करेंट में जो भी ईपीएफओ के द्वारा बदलाव किया गया है कि 60 दिनों के भीतर यदि आपका जो भी केवाईसी है वो अप्रूव्ड या रिजेक्ट नहीं होता है एम्प्लॉयर के द्वारा तो यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ का ये रूल लगभग फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो भी एम्प्लॉयर है इन्होंने अपडेट किया हुआ था केवाईसी 2020 को जुलाई में और अभी तक इनका जो भी केवाईसी है वो इनवैलिडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इनको अब क्लेम करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, हालांकि कुछ एम्प्लॉयर की आदत सी बन गई है अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करने के लिए, कुछ इस तरीके की हरकत कर देते हैं और जिससे कि जो एम्प्लॉई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, फ़ोन लगाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन एम्प्लॉई के केस में भी सेम ऐसा ही है। देखिए ईपीएफओ ने यहाँ पर एक नया अपडेट लाया कि 60 दिनों के भीतर जो भी आपका सीडेट डेट है उसके 60 दिनों के भीतर आपकी केवाईसी इनवैलिडेट हो जाएगी। लेकिन इनके केस में जब ऑनलाइन हम कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एरर आ रहा है, यदि इनवैलिडेट हो जाता तो इनका ये एरर सबसे पहले हट जाता, यानी कि ईपीएफओ का जो सिस्टम है यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ईपीएफओ को यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यदि ईपीएफओ ये कहता है कि नहीं हमने जो नियम लाया है वो जब से नियम लागू हुआ है उसके बाद से काम करेगा तो यहाँ पे आप रिमार्क बिल्कुल भी मत लिखिए क्योंकि यह रिमार्क पहले से लिखा हुआ नहीं था। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पुरानी सारी ऐसी केवाईसी हैं जो कि एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव नहीं की जा रही हैं सबको डिलीट कर दीजिए, भले ही एम्प्लॉयज को दोबारा से केवाईसी करनी पड़ेगी लेकिन उनको समय सीमा जरूर पता होगा कि कैसे हम कर सकते हैं, इस केस में क्या उनको करना चाहिए। दूसरा यहां पर जो बड़ा मिस्टेक है वो आप देख सकते हैं डिलीट का जो सेक्शन है उसमें यदि आप खुद से केवाईसी करते हैं तो डिलीट तो कर पाते हैं लेकिन एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ भी एक्शन यहां पे किया जाता है तो डिलीट के ऑप्शन में बिल्कुल ब्लैंक दिया रहता है, तो यहां पे ईपीएफओ को ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि काफी सारी कंपनियां हैं वो भी बंद हो जाती हैं, वो तो चेक ही नहीं करती हैं एम्प्लॉयर का, तो फिर इस केस में एम्प्लॉई खुद से अपना जो भी एक्शन लेना हो वो ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तो एम्प्लॉयर की आदत ही बन चुकी होती है एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए, तो वो नए नए ट्रिक आजमाते रहते हैं, ये ट्रिक काफ़ी लंबा चल रहा है उनका, जो कि बैंक में केवाईसी कर देते हैं और वो तो एम्प्लॉय तो परेशान ही रहेगा वो, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ईपीएफओ की तरफ से ये 60 दिन में खुद ही इनएक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि जो कि ये इनएक्टिव हो चुका है और करेंट में कोई बैंक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। तो देखिए करेंट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि करेंट में जो एक्टिव केवाईसी है इसमें बैंक डिटेल दिख रहा है और ये एक्टिव है, जैसे यदि ये इनएक्टिव हो जाता है 60 दिनों के बाद तो ये वाला जो बैंक है जो पुराना आपका एक्टिव है उसमें आप पैसे ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं, विड्रॉल आराम से कर सकते हैं। तो हालांकि ईपीएफओ का यहाँ पे सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पे कैच नहीं कर पा रहा है इस चीज को। ये तो होगी एरर के बारे में डीपली बात। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से और क्या क्या जानकारी चाहिए था जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट
बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। आपके हिसाब से और क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए, क्या क्या नए नए ऑप्शन आने चाहिए जिससे कि आपको सुविधा हो सके, किन किन लोगों का इम्प्लॉयर इस तरीके से परेशान कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, वो सारा चीज़ आप अपना राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ईपीएफओ के जो भी मेंबर हैं उन तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि शायद ईपीएफओ के जो रूल्स बनाने हों वाले पर्संस के पास जाए और वो इस चीज़ को ध्यान दें और मॉडिफिकेशन इसमें कर पाए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल विजिट करते हो, आप काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।